प्रदेश में बढ़ रहे नशे को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और नशे के कारोबार को प्रदेश में बढ़ाने के लिए एक दूसरे को जिम्मेवार बता रही हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार को रोकने में असफल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग ही भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल में नशे का कारोबार फल फूल रहा है, आए दिन नशे के मामले देखने को मिल रहे हैं। उन्हें बताया कि भाजपा सरकार नशे के बढ़ते कारोबार को रोकने में असफल रही है, जिससे कि प्रदेश का युवा नशे की गर्त में जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिट्टा मिलने की सूचनाएं पंजाब से सुनने को मिलती थी, लेकिन आज प्रदेश सरकार के समय में चिट्टा जैसे नशे प्रदेश में ही मिल रहे हैं। लोगों को बड़े बड़े वायदे और बड़े लुभावने नारे देके आई थी। उस दिन से इस भोले भाले और मध्य प्रदेश में जो है वो क्राइम जो है वो चरम सीमा में चला गया। रेप बढ़ गए हैं, हत्याएं हो गई हैं, बढ़ी हुई हैं। कम से कम 100 से ऊपर जो है वो FIR छेड़छाड़ की हो गई है। और साथ में जो है जो कभी सुनते थे कि पंजाब में चिट्टा से नौजवानों को लगाया जा रहा है, आज वो चिट्टे की चर्चा यहाँ हिमाचल में पहुँच गई है और लोग नए लोग जो है उसको उसमें लगे हुए हैं और सरकार बिल्कुल असहाया बनी हुई है। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं, उसका कंट्रोल है। इनके अफसर जो है वो इनकी बात नहीं मानते हैं। हमीरपुर के भाजपा के अध्यक्ष ने ही आरोप लगाया अपनी सरकार के ऊपर कि हमारा जो है हमीरपुर का जो ऑफिस ब्यूरोक्रेसी है वो हमारी संगठन की कोई बात नहीं मानता है। कांग्रेस तो कह रही है कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक तरफ चली हुई है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ये लोकतंत्र की ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये किसी एक तानाशाह ही है और तानाशाह का जो ब्यूरोक्रेसी है साहब से काम कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का तो नाम के बराबर, जबकि इनके अपने ही कार्यकर्ता इस बात का आरोप लगा रहे हैं। तो सच्चाई है कि सरकार की जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो पकड़ रही है। बड़ी वजह है कि यहाँ के जो क्राइम है, छेड़छाड़ है, हत्या है, चिट्टे का दौर है, इसलिए बड़ा हुआ है कि सरकार जो है वो कोई पकड़ नहीं है। किशन कपूर जी खुद मंत्री हैं, उनके संरक्षण में चलता है कि उसके संरक्षण में चलता है। अगर सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, ब्यूरोक्रेसी तुम्हारी है, ये तो सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए, जैसे इन्होंने वोट लिए कुड़िया कांड के ऊपर, आज बताएं कि कुड़िया कांड का क्या हुआ, जो CBI ने काम किया उसमें क्या लोगों के मन में वो सच्चाई गई उतर नहीं रही है। तो अगर उसको भी ये टेस्ट नहीं करते, अभी ये लोगों को झूठा जो है घबरा कर रहे हैं कि हमारे जो CLP के लीडर हैं वो साफ सुथरी छवि वाले हैं और उनके अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं वो लोगों के पास।